हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक SOP जारी की गई है। इसमें 21 सितंबर से स्कूलों को खुलने से संबंधित गाइडलाइंस हैं। तो 21 सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं, तो इसमें जो गाइडलाइंस बताई गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली जो गाइडलाइंस है वो है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर निम्न गाइडलाइंस हैं। पहली बात, जो स्टूडेंट्स स्कूल आएंगे उन्हें अपने पेरेंट्स से लिखित मंजूरी लेनी होगी, यानी आपको राइटिंग में मंजूरी प्राप्त होगी तभी आप स्कूल आ सकते हैं। दूसरा, स्कूल में आपको लॉकर की फैसिलिटीज रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में जिम है तो उसकी जो गाइडलाइंस पहले आई थी उसके अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर सकते हैं। स्कूल में स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी चालू नहीं की जाएंगी, ये भविष्य में आने वाले अनलॉक की प्रक्रिया में चालू हो सकती हैं। इसके अलावा छात्र किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, वाटर बॉटल जैसी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे, यानी कि जैसे कि आप कोई चीज़ नहीं होती थी तो अपने दोस्तों से ले लेते थे या दोस्तों को देते थे, आपस में शेयरिंग करते थे, तो वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी। तो आप सभी अगर विद्यार्थी हैं तो अपनी चीज़ों को ध्यान से रख कर ले जाएं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। प्रैक्टिकल के वक्त छात्र अलग अलग सेशन में जाएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ लैबोरेट्री में नहीं जाने दिया जाएगा, यानी जो लैब हैं वहाँ पर सेशन वाइज रखा जाएगा, छात्रों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा और वो ग्रुप वाइज प्रैक्टिकल करेंगे। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस स्कूल के लिए भी दी गई हैं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए अलग टाइम स्लॉट की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 40 बच्चे एक साथ एक ही रूम में बैठकर पढ़ें। उनके लिए अलग अलग टाइम डिवीजन कर दिया जाएगा, जिससे क्लास में बच्चों की संख्या कम हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो सके। क्लासरूम की बजाय बाहर खुले में भी पढ़ाई की जा सकती है। अगर स्कूल में गार्डन है या खुला हुआ प्रांगण है, बालकनी है, तो यहाँ पर भी बेंचेस लगाकर वहाँ पर क्लासें ली जा सकती हैं। ऑनलाइन और जो डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है वो भी साथ में चलता रहेगा, उसे कोई रुकावट नहीं है। स्कूल खोलने से पहले पूरा परिसर, क्लासरूम, लैबोरेटरी, बाथरूम को सैनिटाइज करवाना होगा, यानी सारी जगह सैनिटाइज की जाएगी। अगर स्कूल का यूज़ क्वारंटाइन सेंटर की तरह किया गया है तो सैनिटाइज अच्छी तरह से करवाना होगा। 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग और टेनी काउंसलिंग के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है, यानी जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनमें से 50% स्टाफ को स्कूल मैनेजमेंट बुला सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह कॉन्टैक्ट लेंस अटेंडेंस की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कॉन्टैक्ट ना हो लोगों का, बच्चों का, जैसे सामान्य तौर पर
टीचर्स प्रेजेंट बोलता और बच्चे अपने प्लेस पर ही खड़े होकर या बैठकर अपनी अटेंडेंस देते हैं। तो ये व्यवस्था की जा सकती है। कतार के लिए ज़मीन पर 6 फीट की दूरी पर मार्किंग करनी होगी, जैसे बच्चों को स्कूल में आते टाइम, स्कूल से जाते टाइम। इस दौरान 6-6 फीट की डिस्टेंस पर गोले बनाए जाएंगे और इस गोलों के माध्यम से ही बच्चे भीतर और बाहर दोनों जगह रहेंगे, स्कूल के भीतर भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज किया जा सके। सैनिटाइजेशन और जांच के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? तो पल्स ऑक्सीमीटर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, स्कूल में ऑक्सीमीटर रहेगा, जिससे कि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सके। साफ सफाई करने वाले कर्मचारी को थर्मल गन, डिस्पोजल पेपर टॉवल, साबुन, 1% सोडियम हाइपोक्लोरेट सॉल्यूशन देना होगा। यानी ये सारी चीज़ें साफ सफाई करने वाले कर्मचारी को दी जाएंगी। टीचर्स कर्मचारियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की होगी। यानी स्कूल मैनेजमेंट जितने भी अपने स्टाफ को बुलाएगा उन सभी के लिए सैनिटाइजर, फेस मास्क, इन सब की व्यवस्था करवाएगा। जो डस्टबिन होंगे वो ढके हुए होना चाहिए, कूड़ा फेंकने की सही व्यवस्था होनी चाहिए और जो सफाई कर्मी काम पर लगाया गया है उसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जिनको एंट्री नहीं मिल पाएगी, क्वारंटाइन जोन में जो छात्र, टीचर या कर्मचारी हैं वो स्कूल नहीं आ सकेंगे। अगर कोई छात्र सिम्प्टोमेटिक है तो उसे स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई छात्र, टीचर या कर्मचारी बीमार है तो उसे किसी भी हालात में स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। अगर किसी टीचर, छात्र या कर्मचारी में लक्षण मिलते हैं तो क्या करना होगा? उसे तुरंत उसे आइसोलेट किया जाए, जहां किसी दूसरे को जाने की अनुमति ना हो। पेरेंट्स को इसकी सूचना दे दी जाए। जब तक डॉक्टर द्वारा उसका परीक्षण ना कर ले तब तक उसे फेस कवर पहनने को बोला जाए। तुरंत नज़दीक के अस्पताल या फिर स्टेट हेल्पलाइन पर संपर्क किया जाए। पूरे परिसर को डिसइंफेक्टेड किया जाए। स्टूडेंट, टीचर किसी भी तरह के मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको रेगुलर काउंसलिंग दी जाएगी। तो इस तरह आज जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के माध्यम से जो SOP जारी हुई है उसमें जो स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है उसमें जो गाइडलाइंस बताई गई थी वो गाइडलाइंस मैंने आपके साथ शेयर की। आप अगर स्कूल 21 सितंबर से खुलते हैं तो जो भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा बताई जाती हैं, जो गाइडलाइंस आपके स्कूल में टीचर्स द्वारा बताई जाती हैं, आप उनका पालन करें, स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।